हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कार के अंदर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर यानी कि मैप सेंसर जो लगा होता है ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। इसकी क्या लोकेशन है और किस किस समय पे जो है कैसे कैसे जो सिग्नल है ईसीएम को ट्रांसफर करता है, जिसके थ्रू ईसीएम जो है इंजेक्टर यानी फ्यूल की जो रेल होती है उसमें इंजेक्टर लगे होते हैं, उनमें किस इंजेक्टर पे कब सप्लाई देना है, कब फायरिंग कराना है, कब जो है तेल जो है पिस्टन पे भेजना है, इसका जो काम है ये सिग्नल के अनुसार यानी कि जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ये एयर की जो फ्लो है वो बढ़ेगा इंजन रूम में, उसी हिसाब से जो है वोल्टेज ये मैप सेंसर जनरेट करता है और इश्यू को सिग्नल देता है, जिस हिसाब से जो है इश्यू इंजेक्टर को सप्लाई देता है। तो ये कैसे काम करता है, इश्यू यानी गैप पैडल पैडल यानी कि जब आप एक्सेलेरेटर पैडल को जैसे जैसे दबाते हैं वैसे वैसे जो है स्पीड बढ़ती है और स्पीड बढ़ने के साथ साथ जो एयर की फ्लो है वो इंटेक मैनिफोल्ड से उतना ही स्पीड में गुजरती है और वहीं पे लगा होता है सेंसर इंटेक मैनिफोल्ड में, जिसे मैप सेंसर बोलते हैं, या दोनों अगर कंबाइंड यानी कि दोनों साथ में होती है तो एक तो इसका काम है जैसे कि चार वायर की अगर सेंसर है या तीन वायर की सेंसर है, अगर तीन वायर की सेंसर है तो आपकी जो काम होगा वो सिर्फ एयर की प्रेशर बताएगा कि आपकी गाड़ी के अंदर जो है मैनिफोल्ड में वो कितने प्रेशर से हवा जा रही है। अगर चार वायर है तो इसमें दो सेंसर आते हैं, एक तो एयर टेम्परेचर और दूसरा जो है एयर फ्लो को नापने के लिए, जैसे कि एयर फ्लो कितना स्पीड जो है इंजन में के अंदर जा रही है, कितना आप पैडल दबा रहे हो, कितना स्पीड में एयर जा रही है, जितना पैडल आप रेस की दबाएंगे उस हिसाब से गाड़ी की आरपीएम बढ़ेगी, उसी हिसाब से यहां से एयर इंजन इंटेक मैनिफोल्ड से होते हुए कंबशन चैम्बर में जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजों का सिग्नल मिलता है, अगर चार वायर की कपलर है जिसे मास्क एयर फ्लो सेंसर भी बोलते हैं, तो अगर चार वायर की कपलर है तो इसमें दो वायर, एक तो आपको जो है ग्राउंड होगा, दूसरा होगा सप्लाई आएगा इसमें 5 वोल्ट की, और तीसरा एक एयर टेम्परेचर और एक एयर की प्रेशर, ये दो जो सिग्नल है यहाँ पे आएगी इश्यू को मिलेगा। और इश्यू किस हिसाब से, जैसे कि ज्यादा अगर गर्म हवा है या ठंडा हवा है या ज्यादा आपकी कितना प्रेशर से हवा जा रही है, ये सारा जो डिपेंड करता है ये मास्क एयर फ्लो सेंसर और एक्सेलेरेटर पैडल के थ्रू सिग्नल मिलने के अनुसार ये काम करता है। ये सेंसर जो है रेजिस्टेंस चेंज वोल्टेज यानी रेजिस्टेंस टाइप की इसमें सेंसर लगा होता है और ये जो है वोल्टेज में सिग्नल जो है इश्यू को सेंड करता है। फ्यूल की इंजेक्शन का रूल, फ्यूल इंजेक्शन का नियम कैसे काम करता है, फ्यूल इंजेक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। वेरिएबल इंक्रीजिंग और डिक्रीज, वेरिएबल यानी कि कब और किस हिसाब से किस तरीके से जो गाड़ी में फ्यूल इंजेक्ट कराता है इसके बारे में जानेंगे। एयर की प्रेशर, जैसे जैसे एयर की प्रेशर बढ़ेगी, जैसे कि आप एक्सेलेरेटर पैडल दबाएंगे तो इंजन जो है रफ्तार से घूमेगी और उसमें क्या होगा, ज्यादा आरपीएम होने की वजह से एयर भी ज्यादा जाएगा, तो इस हिसाब से जैसे जैसे एयर की प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो फ्यूल की इंजेक्शन यानी कि फ्यूल की सप्लाई आपकी तेज हो जाएगी। और फिर जैसे जैसे आपकी जो एयर की फ्लो है यानी कि एयर की रफ्तार है एक्सेलेरेटर पैडल छोड़ेंगे तो जो तेल की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। अब एयर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। एयर टेम्परेचर जैसे कि इसमें दो सेंसर दो चीजें नापता है, एक तो एयर की टेम्परेचर और एयर की स्पीड को। तो एयर की जो टेम्परेचर है ये एयर की टेम्परेचर जैसे जैसे एयर की टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जो फ्यूल की रेशो जो है कंबशन चैम्बर में कम से कम जाएगी यानी कि कम जाएगी। और जैसे जैसे एयर की टेम्परेचर यानी कि घटेगा कम होगा, एयर की टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा, कहने का मतलब अगर ऐसी जगह पे चले गए जहां पे पहाड़ी इलाका है बर्फीली इलाका है तो वहां पे जो है कंबशन चैम्बर में यानी कि फ्यूल में जो तेल की जो जलने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से जो फ्यूल की रेशो है वो कंबशन चैम्बर में भेजेगा जिससे अच्छे से कंबशन इंजन में हो सके। तो जैसे जैसे एयर की टेम्परेचर यानी कि जो हवा जाएगी इंटेक में उसकी टेम्परेचर जैसे जैसे कम होएगा वैसे वैसे फ्यूल इंक्रीज होएगा, आपकी गाड़ी में फ्यूल जो है कंबशन चैम्बर में ज्यादा देगा। जैसे जैसे एयर की टेम्परेचर बढ़ेगा फ्यूल जो है कम जाएगा, यानी कि जैसे जैसे एयर की टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्यूल जो है इंजन रूम में यानी कि जो कंबशन चैम्बर में कम जाएगा। इंजन स्पीड, जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ेगी यानी कि जितने रफ्तार से इंजन चलेगा जितने आरपीएम होगा उतना ही जो है फ्यूल इंजेक्ट होगा किसमें, आपकी कंबशन चैम्बर में जहां पे
कंबशन बनता है। और जैसे जैसे आपकी जो इंजन की स्पीड कम होगा वैसे वैसे फ्यूल जो है यहाँ पे कम जाएगा कंबशन चैम्बर में। तो ये होता है फ्यूल इंजेक्शन की रूल, यानी कि फ्यूल कब कब किस हिसाब से किस टाइम आपके जो इंजेक्शन यानी कि कंबशन चैम्बर में कब इंजेक्शन करेगा इस हिसाब से ये डिपेंड करता है। एक तो एयर की प्रेशर और दूसरा एयर की टेम्परेचर और इंजन की स्पीड, ये तीनों पे डिपेंड करता है कि आपके गाड़ी के जो इंजेक्टर है नोजल है उसमें कितना और कब किस हिसाब से जो है फ्यूल इंजेक्ट कराना है, ये सारे डिपेंड करता है एयर और एयर की टेम्परेचर, एयर की स्पीड, एयर की टेम्परेचर, इंजन की स्पीड, ये तीनों पे डिपेंड करता है। तो फ्यूल इंजेक्शन का जो रूल है वो इसी पे काम करता है। तो अगर मैप सेंसर जो खराब हो जाती है, मैप सेंसर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जो आपकी गाड़ी जो है एक्सेलेरेटर लेना बंद कर देगा, एक्सेलेरेटर लेना कम करेगा, यानी कि गाड़ी आपकी भागेगी नहीं और चलेगी भी नहीं, तो ये सारी प्रॉब्लम जो आती है वो मैप सेंसर से आती है, गाड़ी की मैप सेंसर खराब हो जाता है। तो अगर आपको चेक करना है तो किसी भी यानी कि गाड़ी की इंटेक मैनिफोल्ड पे मैप सेंसर जो लगा होता है उसकी वायर जो है खींच के निकाल देंगे, एक सेंसर निकाल देंगे, और जब आपकी गाड़ी को एक्सीलेटर देने की कोशिश करेंगे तो एक्सीलेटर जो है गाड़ी नहीं लेगा। तो समझ जाए कि आपकी गाड़ी में जो है मैप सेंसर की प्रॉब्लम है, या गाड़ी स्कैन करके चेक करा सकती है, मैनुअली जो है चेक कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक मैंने डायग्राम बना रखा है, ये मैप सेंसर है, यहाँ पे रेफरेंस वोल्ट 5 वोल्ट मिल रहा है, ये ग्राउंड एक मिल गया, और यहाँ से एक सिग्नल आया जो इश्यू को सिग्नल बताया कि आपके गाड़ी के अंदर इंटेक जो है एयर कितना स्पीड से जा रही है, उस हिसाब से जो इंजेक्टर पे सप्लाई जाता है, पल्स जाता है, उस हिसाब से जो फ्यूल कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, जिसे मैप सेंसर बोलते हैं, वो इस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।